तो गाइस महिंद्रा की थार खड़ी है 5 डोर। ये है वाइट कलर में और ये वाली कलर देखो भाई, नवा कलर है ये। लंबाई भी है ना पहले से, टायर का साइज भी भाई बहुत ही बड़ा है भाई। अब की बार देखो वाइट कलर, गोल्डन देखो भाई थार। भाई एक्सयूवी 400 आज की है, हम देखने आए थे 300। सनरूफ भी है इसमें तो। ऑटोमेटिक में ही है क्या ये? हाँ ये ऑटोमेटिक में आती है हमेशा। 12.5। बेस मॉडल कितने का? टॉप मॉडल है ये, 20 लाख कुछ की टोटल पड़ेगी। गिलास रख सकते हो इसमें पैक मारने के लिए। बेस में 3 कलर आते हैं, ये वाइट, ब्लैक, ब्लैक और ग्रे। ग्रे हेलो जी, राम राम जी, स्वागत है आपको हमारे नए व्लॉग में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गाड़ी बुक करवाने के लिए, और गाइस मेरे साथ जा रहे हैं राहुल भैया और अपना भाई ललित गहलोत। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गाड़ी बुक करवाने, और देखते हैं कौन सी गाड़ी पसंद आएगी, तो वो आज फाइनल कर देंगे गाड़ी। और चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस अभी हम पहुंचे हैं हाईवे पे। अभी छोले कुलचे खाते हैं भाई, भूख लग गई थी तो गाइस अभी छोले कुलचे खा लिए थे। भैया ने बनवाई है चाय। तो आज का है भैया? आज हम महिंद्रा की एक्सयूवी 300 कार देखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर उसके बाद देखेंगे भाई क्या बनता है प्रोग्राम। अभी चाय बन रही है, अंकल बना रहे हैं चाय। लो भाई चाय के साथ बालूशाही। लो जी गाइस अभी हम आ चुके हैं महिंद्रा पे, आया पहले तो यहाँ देखते हैं, अगर भैया को पसंद आ गई तो करवाएंगे बुक, फिर उसके बाद अगर नहीं आए तो दूसरे में जाएंगे बुक करवाने। तो भाई गाड़ी लगा रहा है पार्किंग। तो गाइस अभी महिंद्रा की भाई थार आई है 5 डोर वाली, तो ये भी अभी अंदर दिखाएंगे आपको कैसी है। चलो गाइस अंदर चलते हैं। तो गाइस महिंद्रा की थार खड़ी है 5 डोर, ये है वाइट कलर में और ये वाली कलर देखो भाई, नवा कलर है ये। ये इसमें लगे पड़े लोग देखने के लिए। ये स्कॉर्पियो वाइट, ये 400 गोल्डन देखो भाई थार। तो अंदर जो हमने गाड़ी देखनी है वो अंदर खड़ी हुई है। और गाइस यहाँ देखो स्कॉर्पियो एन, ये अलॉय व्हील्स है, ये एक्सयूवी 700 है। हमने देखनी है जी वाली भाई एक्सयूवी 300। तो गाइस ये है स्कॉर्पियो एन, हमने लेनी है ये वाली एक्सयूवी 300। तो ये नवा वेरिएंट है भाई गोल्डन में, तो ये देखते हैं पसंद आती है तो भैया को। ये है एक्सयूवी 700 भाई, ट्रेंडिंग में चल रही है। ये भाई एक्सयूवी 400 आज की है, हम देखने आए थे 300। ये लेटेस्ट मॉडल आ चुका है 400 में, तो अभी देखते हैं भाई कैसा इंटीरियर वगैरह है, बैठते अंदर। सीट कवर बहुत बड़ी है भाई, अंदर देखते भाई। इसके सीट सूट ऊपर नीचे करने का भी है। इंटीरियर देखो भाई, सनरूफ भी है इसमें तो, सनरूफ है ऊपर नीचे ऊपर। सीट कवर भाई, सीट भी प्रीमियम है भाई पूरी। देखो कितने स्टार्टिंग है भैया, बेस कितना है? ऑटोमेटिक में ही है क्या? हाँ ये ऑटोमेटिक में आती है हमेशा। अच्छा मैनुअल नहीं होता इसमें? बैटरी में कम है बस। इसको क्या से फिर वही जैसे ऑटोमेटिक आती है, पावर स्टार्ट करो बंद करो बस, ये बटन है स्टीयरिंग। रेस रूस कुछ नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें हैं उसमें ये सिस्टम है ही नहीं गियर वाला ना। ये बस स्टार्ट करने के लिए आई है ना, इसको बटन दबाओ पावर स्टार्ट। 1.5 से 2 लाख के सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी आती है। अगर आप किसी मैनुअल से ऑटोमेटिक जाते हो ना, 1.5 से 2 लाख का फर्क रहता है। टॉप मॉडल है ये, इसमें एक ही आता है क्या मॉडल? अभी एक ही मैन्युफैक्चरिंग, टॉप मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 20 लाख कुछ की टोटल पड़ेगी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको करनाल ग्राउंड में चलाना क्या दिक्कत है? कार जब ले रहे तो क्या पता बंदा कहाँ जाए, कहीं भी जा सकता है बंदा। सोच सोच जाना पड़ेगा भाई, जहाँ जहाँ इसकी वो है एबिलिटी। अच्छा एक वो जैसे वो होता है वो जो जैसे करण लेक पे चार्ज स्टेशन लगाओ उस तरीके से, उस वहाँ चार्ज ऐसी जगह पे होगी। हाँ, मैकडी में लगा, यहाँ पे भी नीलकंठ में। अभी वही बात है ना, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेगी ना। हाँ।
जैसे जैसे पेट्रोल पंप पे स्टेशन आने लगेंगे ना, कितनी देर के लिए लगानी पड़ती है चार्जिंग के लिए? जैसे जो घर पे लगेगा ना आपके। तो गाइस अब ये वाली गाड़ी देखते हैं अंदर कैसी है, गोल्डन वाली, इसमें बैठ के देखते हैं भाई कैसा लगता है। इसमें ग्लास रखने का भी है भाई, अगर पैक बुक मारना हो तो यहीं से ग्लास रख सकते हो इसमें पैक मारने के लिए। बेस मॉडल कितने का? 8600 छोटे बच्चों के लिए हमारे जैसे बड़े तो निकल नहीं पाएंगे इसमें से। और सीट कवर भी इतनी खास नहीं है भाई, रियर में वाइपर जो उसमें था रूफ रेल आज के ऊपर ये ठीक है। टर्न इंडिकेटर, टेल लैंप, छे एयरबैग। अच्छा एयरबैग बेस में ही है इसके? हाँ छे है। स्टेबिलिटी कंट्रोल 16 इंच के अलॉय तो ये गाड़ी का भाई पूरा ऑफाइल बायो डाटा है जो ठीक है भाई। 8.5 वाली स्कॉर्पियो है ना, इंजन स्टार्ट हो। अच्छा इंजन में वही स्टार्टिंग वही बटन है बंद भी हो जाए। स्मार्ट स्टीयरिंग मोड, पावर विंडो, फ्रंट रियर, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज। भाई ये वाली गाड़ी तैयार हो रही है डिलीवरी के लिए। ये देखो पर्दा लगा दिया इसमें रेड, तो ये गाड़ी आज डिलीवरी होगी। और अलॉय व्हील्स वगैरह लगवाने हो अलग से लग जाते हैं। तो भाई अभी डिस्कस वगैरह करते हैं, देखते हैं फाइनल करवाते हैं गाड़ी। गाइस आप देख सकते हो एक्सयूवी जो हम देखने गए थे उसका ये डिटेल है भाई, पूरी इसमें नहीं। आप देख सकते हो कितने की पड़ेगी हमको ये, 8 लाख कुछ की पड़ेगी ये गाड़ी। देखते हैं बुकिंग करवाते हैं भाई इसकी। ये कलर है भाई इसमें गाड़ी ये एक्सेसरी मिल जाएगा बेस में आता है, बेस में आते हैं। बेस में तीन कलर आते हैं, ये वाइट, ब्लैक, ब्लैक और ग्रे। ग्रे ब्लैक की ये तीन कलर है भाई बेस मॉडल में। ब्लैक ठीक है ना वैसे? ब्लैक नॉर्मल चलता भी है, वाइट ब्लैक ग्रे। जैसे जो टॉप मॉडल होता है उसकी जो ये ब्लैक वो है, ये बॉडी पेंट है या सबकी ऐसी ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग सबकी ऐसी है? तो गाइस ये रही महिंद्रा की थार 5 डोर, ये अंदर थे देखते हैं कैसी है भाई। तो आप देख सकते हो भाई लंबाई भी है ना पहले से, टायर भी देखो थोड़े बहुत चेंज करे हैं, टायर का साइज़ भी भाई बहुत ही बड़ा है भाई अब की बार। देखो वाइट कलर, ज़्यादातर बंदे भाई थार ही बुक करवाने के लिए आए हुए हैं भाई। जाओ देखते हो भाई अंदर। तो ये वाली गड्डी हम देखने गए थे भाई, ये वाली गड्डी हमने पसंद करी है। तो अब देख सकते हो ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर वहाँ पे थी नहीं, तो ये ब्लैक कलर देखो भाई। चलो भाई अभी हमने महिंद्रा की देख ली गाड़ी और अब जा रहे हैं मारुति के शोरूम में, तो वहाँ भी देखते हैं भाई। तो चलते हैं मारुति के शोरूम में, यहीं पास में ही है भाई, बाहर निकलते ही 2-3 शोरूम छोड़ के मारुति का ही है। लो जी अपनी गाड़ी आ गई भाई,